हूं मिश्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं बात बात कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के एक टॉपिक पास्कल लॉ के। इसके पहले मैंने बात की थी व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इज एब्सोल्यूट फ्लूइड, एटमॉस्फेरिक फ्लूइड एंड सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस तरह के मैंने डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में किया है जिसको आप लोग जरूर देखें। आज मैं बात करने वाला हूं कि ये पास्कल लॉ होता कहाँ है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका प्रूफ कैसे है। शायद ये वीडियो दो पार्ट्स में हो, तो इसको एक पार्ट पहले मैं पास्कल लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा और अलग वीडियो में मैं बात करूंगा उसके डेरिवेशन की जो एकेटीयू हमसे पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज पास्कल लॉ। पास्कल इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उनका ये कहना था कि जो प्रेशर है, इट स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूड इज सेम इन एवरी वेयर एग्जैक्टिंग इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। दिस वर्क फॉर गैसेज एंड लिक्विड। कंडीशन क्या है, मतलब पास्कल लॉ ये कहता है कि जब फ्लूड स्टैटिक है, जब फ्लूड स्टैटिक है या हाइड्रोस्टैटिक फ्लूड है, इट्स मीन द फ्लूड इज स्टैटिक, एंड फ्लूड जब स्टैटिक है तो उस जगह जो प्रेशर लगता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम लगता है, मतलब ही एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड। सो दिट्स पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर इंटेंसिटी एट इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल टू सेम इन द स्टेशनरी फ्लूड और हाइड्रोस्टैटिक फ्लूड। ये किसकी बात कर रहा है, जब फ्लूड क्या है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी फ्लूड। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेट दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे जब हम प्रेशर की बात करेंगे इन एट एनी पॉइंट इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूड इज सेम इन एवरी वेयर, एवरी डायरेक्शन इज सेम इन एवरी डायरेक्शन एग्जर्टिंग इक्वल फोर्स ऑन इक्वल एरिया। मतलब यानी वो इक्वल एरिया पर, मतलब एरिया डिफर करती है और किसी भी डायरेक्शन पे, अभी मैं आगे बात करूंगा कैसे वो प्रेशर इक्वल होगा किस जगह है, तो इसका मतलब ये है किसी भी डायरेक्शन की बात आप करें। सो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, मतलब यानी हर जगह लगने वाली प्रेशर इंटेंसिटी क्या सेम हो, लेकिन कंडीशन क्या है, फ्लूड इज स्टेशनरी। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने इस एग्जाम्पल से आपको बड़ा अच्छा समझाना चाहे, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, आपका फ्लूड है, दिस इज कॉल्ड, यहां पे आपका क्या है, ये मैंने क्या ले लिया, दैट इज कॉल्ड, यहां पे मैंने ले लिया फ्लूड, ये आपका फ्लूड है जिसके माध्यम से हो क्या रहा है, जरा लॉजिक को समझते हैं। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अंदर जा रहा है, इससे फोर्स ट्रांसफर किया जा रहा है और ये जो कार है ये व्हीकल ऊपर नीचे की जा रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये पिस्टन है इसकी एरिया क्या है, A1 है, इसकी एरिया A1 है और यहां पिस्टन बड़ा है, इसकी एरिया कितनी है, दैट इज कॉल्ड A2, जिसकी एरिया कितनी है A2। अच्छा, आप लोग को पहले मैंने वीडियो में बताया है बड़ी अच्छी तरीके से कि प्रेशर इज इक्वल टू वॉट फोर्स अपॉन एरिया। इट्स मीन और आप कह रहे हैं पास्कल लॉ कहता है कि एवरीवेयर प्रेशर, मतलब यहां जो प्रेशर होगा वो यहां पर भी सेम होना चाहिए, इट्स मीन, ठीक है, मैं अपनी बात को करता हूं, यहां से ये पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन रॉड के द्वारा जब इस पे फोर्स लगाया गया तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इंटू एरिया। जरा मेरी बात को समझिएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब क्या हुआ, जो यहां पर जो ओरिजिनल फोर्स लगाया जा रहा है वो P1, एरिया मानी P1 है, A1 है और फोर्स F1 है, और यहां जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F2 इज इक्वल टू व्हाट, P2 इंटू A2। लेकिन बात ये है कि P1 इज इक्वल टू P2 क्योंकि पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूड है, ये स्टैटिक फ्लूड है, तो P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 और P2 सेम है तो किस पे वैरी करेगा, एरिया के टर्म पे कहीं ना कहीं वैरी करेगा। एरिया कितने टाइम्स हो गया, ये एरिया 10 टाइम्स या 5 टाइम्स ज्यादा है A1 के तुलना में। जब 5 टाइम्स ज्यादा है तो स्वाभाविक बात है फोर्स बैलेंस कर देगा उधर।
सो क्या है ये पास्कल ला का एग्जाम्पल मैंने सेट किया, तो इधर क्या हुआ कि प्रेशर इज इक्वल टू वॉट एफ वन अपॉन ए वन, ये पी वन इक्वल था और यहां प्रेशर क्या हो जाएगा पी टू इज इक्वल टू वॉट एफ टू अपॉन ए टू, इट्स मीन ये दोनों सेम है तो एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू। तो देखिएगा टर्म क्या है, एरिया का 10 टाइम्स है, एरिया क्या है 10 टाइम्स ए टू के है, सो एफ वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू क्या एफ टू अपॉन 10 टाइम्स ए वन, ए वन ए वन कैंसिल, एफ टू इज इक्वल टू वॉट 10 इंटू एफ वन, इतना प्रेशर ये ट्रांसफर कर रहा है एफ टू इज इक्वल टू 10 टाइम ए एफ वन, क्योंकि प्रेशर सेम है इसीलिए गाड़ी का उठ जाए, प्रेशर डिफर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा वहां पे पास्कल ला वैलिड नहीं करेगा। मैंने सेकंड एग्जांपल दिया कि पास्कल ला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम, जहां पर फ्लूड का जैसे मेरा ट्रांसफर होता है जैसे हाइड्रोलिक जैक, यहां पे आप देखिए यहां पे फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, एरिया सेम है तो इक्वल एरिया है, इक्वल एरिया है तो मतलब फोर्स अपॉन एरिया इक्वल एरिया है, प्रेशर तब भी वहां पर सेम है। लेकिन जब हमारी एरिया डिफर है, जैसे यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर ध्यान देखिए क्या कि यहां का पिस्टन छोटा है और यहां पर पिस्टन क्या है बड़ा है, जब पिस्टन यहां बड़ा है सो इट्स मीन फोर्स अपॉन एरिया इज अ प्रेशर, लार्जर फोर्स लार्जर एरिया, तो लार्जर फोर्स होगा वहां फोर्स ऑन द लार्जर पिस्टन इज मल्टीप्लाइड, वो उतना मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेकिन प्रेशर दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। सो क्वेश्चन क्या गया, व्हाट इज पास्कल लॉ, पास्कल लॉ इज सेड दैट कि अकॉर्डिंग टू द पास्कल साइंटिस्ट कि व्हेन अ फ्लूड इज स्टेशनरी द फ्लूड द प्रेशर एग्जर्ट ऑन द ऑल द डायरेक्शन इज इक्वल टू सेम, दैट इज कॉल्ड पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। That next question, what is the application of Pascal law? कहां कहां मैं देख सकता हूं इसको कि कहां प्रेशर सेम है लगाने पे? मैंने कहा हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ वेरी, अभी मैं इसको आगे चल के बताऊंगा अभी कि व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपने देखा होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, नीचे से जितना प्रेशर लगता है वही एग्जर्ट करता है, प्रेशर इज सेम। हाइड्रोलिक जैक, एक गाड़ी उठाने में देख रहे जस्ट लाइक अ जैक, जो भी आपका जैकिंग में जो पोजिशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक, जितने हाइड्रोलिक ब्रेक है वहां पास्कल लॉ इंप्लीमेंट होता है, हाइड्रोलिक पंप जितने हैं वहां पर आपका क्या करता है पास्कल लॉ वैलिड करता है। ये पास्कल लॉ के कंसेप्ट को मैं इन चीजों पे देखता हूं। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक पे हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ पास्कल लॉ। सो वंस अगेन पास्कल लॉ क्या है कि इट स्टेट दैट कि प्रेशर एट एनी, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इट स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूड और अ बॉडी इज सेम इन एवरीवेयर व्हेन द फ्लूड इज स्टेशनरी एंड एग्जैक्टिंग इक्वल फोर्स ऑन द इक्वल एरियाज, सो दिस वर्क ऑन द गैसेज एंड द लिक्विड, ये दोनों पे क्योंकि फ्लूड ही है वो और इसके पास सॉलिड तो नहीं होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पास्कल लॉ डेरिवेशन। थैंक यू।